आपके घर में कभी कभी कुछ लोगों से कहते हुए सुना है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी हमें फील होता है, ऐसा लगता है रात के समय आवाज आ रहा है, नींद अच्छे से नहीं आती और डरावने स्वप्न आ जाते हैं और हमें लग रहा है कि हमारे घर में भूत प्रेत का वास है, कई लोग कहते हैं और ऐसा होता भी है। देखो, भूत प्रेत अगर मनुष्य ने जीवन भर पाप किया, मनुष्य ने जीवन में धर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, तो जब उसका मृत्यु होता है तो वो भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है। इसीलिए भागवत कथा श्रवण कराने से प्रेत का भी कल्याण होता है। आपके घर में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक काम करिए, भागवत कथा पाठ करवाइए, किसी ज्ञानी पंडित जी को बुला करके भागवत कथा पाठ कराइए। अगर ये संभव नहीं है तो मैं तो बस सबसे यही निवेदन करूंगी, अपने घर में भागवत का जो पुस्तक है, मूल भागवत हर घर में होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में मूल पुस्तक भागवत जी रखते हैं और नित्य प्रति पूजन करते हैं, उसको खोल करके कम से कम एक अध्याय पाठ रोज करते हैं, तो विश्वास मानिएगा आपके घर में नकारात्मक एनर्जी कभी प्रवेश नहीं कर सकता। भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए अपने घर में अगर आप सकारात्मक ऊर्जा पाना चाहते हैं तो रोज भागवत पाठ करो। अगर रोज नहीं कर सकते हैं, पूरा एक अध्याय नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक श्लोक भी भागवत जी का पाठ अवश्य होना चाहिए। भागवत कथा का अगर उल्लेख आपके घर में होता है, मूल भागवत का एक श्लोक अगर आप पाठ करते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगा, आप भगवान से जुड़े रहेंगे, इसलिए भागवत का पाठ अवश्य करिए।